हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी नॉलेज ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड छोटी छोटी नई नई जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पिता। जन्म और अभिभावक की बात करते हैं। सियाली राम अमृता रंगनाथन जी का जन्म 9 अगस्त 1892 को हुआ था और उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है को तमिलनाडु के तंजौर जिले के सियाली मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था। उनके पिता राम अमृता अय्यर थे और अब जब रंगनाथन सिर्फ 6 वर्ष के थे उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी देखरेख दादाजी ने की थी। रंगनाथन की माँ सेठ लक्ष्मी एक सरल और बहुत ही पवित्र महिला थी। रंगनाथन जी अपने माता पिता की पहली संतान थे। रंगनाथन जी की शादी 1907 में रुक्मणी के साथ हुई थी। उस समय रंगनाथन की उम्र 15 साल थी। रुक्मणी उनकी पहली पत्नी थी जिनकी 13 नवंबर 1928 को मद्रास में मृत्यु हो गई थी। रंगनाथन ने दूसरी शादी श्रद्धा के साथ दिसंबर 1929 में की। श्रद्धा जी को बेंगलोर में जुलाई 1985 में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। रंगनाथन जी की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को 80 वर्षीय बेंगलोर भारत में हुई थी। शिक्षा रंगनाथन की प्राथमिक शिक्षा सियाली के ही स्कूल में हुई थी। हाई स्कूल 10th सियाली के हिंदू हाई स्कूल में 1908 में 1909 में किया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1913 और 1916 में गणित में बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। फिर एक साल का प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स किया। शिक्षण करियर की बात करें तो पहली नियुक्ति 1917 में गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में हुई। बाद में उन्होंने 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बूटर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। रुचि के विपरीत लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन और नियुक्ति उनकी शिक्षण कार्य में गहन रुचि थी परंतु वह कम तनख्वाह होने के कारण गुजारा ढंग से नहीं हो पा रहा था। भाग्य से कुछ समय बाद मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली जिसमें ठीक ठाक वेतन था। गणित के विषय में के जानकार होने के कारण उनका सिलेक्शन में लाभ मिला। वे मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। उन्होंने अपने 9 माह के प्रवास के दौरान यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की कार्याडन पब्लिक लाइब्रेरी के प्रमुख लाइब्रेरियन बेरिक सेरियस के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की। इसी दौरान उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकालयों का दौरा किया वहां की कार्यविधि देखी। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में समाज के हर तबके के लिए पुस्तकालय खुला होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी पाया कि लाइब्रेरी की अपनी कार्यविधि भवन औजार और सिद्धांत हैं। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक पुस्तकालय का एक समान सिद्धांत और कार्यविधि होनी चाहिए। इसीलिए रंगनाथन ने एक लाइब्रेरी विज्ञान का एक समान सिद्धांत बनाने के लिए अपने आप को झोंक दिया। सन 1925 में भारतीय वापसी आने पर उन्होंने अपने विचारों का पूर्ण पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया। मद्रास विश्वविद्यालय की 20 साल की सेवाओं के बाद उप कुलपति के साथ विवाद मद्रास विश्वविद्यालय की 20 साल की सेवाओं के बाद उपकुलपति के साथ विवाद होने के बाद उन्होंने 1945 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया और रिसर्च कार्य में जुट गए। इसी बीच उनको बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति एस राधाकृष्णन द्वारा BHU के पुस्तकालय तकनीक और सेवाओं को व्यवस्थित सुधार और आधुनिकरण करने के लिए निमंत्रित किया गया। सन 1947 में वे सर मॉरिस ग्वालियर के निमंत्रण पर दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए। वहां उनके दिशा निर्देश में बैचलर ऑफ मास्टर और लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की गई। सन 1954 तक वे वहां रहे। 1954 से 57 के दौरान वे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि अध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान व परीक्षण केंद्र स्थापित किया और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे। लाइब्रेरी साइंस में योगदान।
हालांकि लाइब्रेरी का वर्गीकरण सूचीबद्ध करने का रंगनाथन सर्वोत्तम योगदान है। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के सभी पहलुओं पर 50 से अधिक पुस्तकों और 1000 कागजात प्रकाशित किए। अपने करियर के दौरान वह 25 से ज़्यादा समितियों के सदस्य या अध्यक्ष थे, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय की शिक्षा, और पुस्तकालय कानूनों जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य था। यद्यपि रंगनाथन को व्यापक रूप से भारत में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनके सहप्रसिद्ध देश की सीमाओं को लांग गई थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र लाइब्रेरी के लिए नीति बनाने में अहम भूमिका निभाई तथा दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के रूप में डालने में अपना योगदान दिया। रंगनाथन जी द्वारा लिखित पुस्तकें 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, पॉलीगोनल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, हेडिंग्स एंड काइनंस प्रमुख हैं। पुरस्कार और सम्मान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर रंगनाथन के 71वें जन्म वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देते हुए लिखा कि डॉक्टर रंगनाथन ने केवल मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय को संगठित और अपने एक गौमौलिक विचार की तरह प्रसिद्ध किया, अपितु संपूर्ण रूप से देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करने में साधक रहे। भारत सरकार ने रंगनाथन को राव शाही पुरस्कार से सम्मानित किया और 1957 में उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। रंगनाथन को 1965 में भारत सरकार ने लाइब्रेरी विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नामित किया। वे योजना आयोग और भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सलाहकार भी रहे। डॉक्टर रंगनाथन हमारे देश में लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान की वास्तविक अवस्था को पहचानने करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अंततः इस क्षेत्र में उनका योगदान को याद करते हुए देश में 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरी डे के रूप में मनाया जाता है।